ओम शांति। 25/1/2023 यानी 25 जनवरी 2023 की मुरली। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। आज का प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? मतलब जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो इसका उत्तर बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी होंगे, जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, वह कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे। हमेशा श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को हमेशा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा मासूक है, बाकी सभी उनके आशिक हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है। तुम बच्चे अब जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच सबका बाप। बच्चों को एक ज्ञान और भक्ति का राज परमपिता परमात्मा ने ही समझाया है। एक ज्ञान का मतलब होता है दिन, और दिन का मतलब होता है सतयुग और त्रेता युग। भक्ति का मतलब होता है रात, और रात का मतलब होता है द्वापर युग और कलयुग। तो ये सब भारत की ही बात है, और धर्मों से तुम्हारा ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही भोगते हो। पहले पहले भी तुम भारतवासी बने थे। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि इस्लाम धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले ये 84 जन्म लेते हैं। नहीं नहीं, भारतवासी सनातन धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत का ही कभी विनाश नहीं होता, और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच है। भारत ही अविनाशी खंड है, और भारत खंड ही स्वर्ग बनता है, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है कि नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है, वही फिर 84 जन्म लेते हैं, लेकिन अंत में फिर हम नर्कवासी बनते हैं, फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी भारतवासी नर्कवासी हैं, फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है, वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरंपार है, परंतु ये जो आजकल गीता चल रही है इसकी महिमा अपरंपार नहीं है। जो सच्ची गीता है, जो परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक ज्ञान वाली गीता है, उसकी महिमा अपरंपार है। ठीक है, तो भारत खंड की भी महिमा अपरंपार है, परमपिता परमात्मा की भी महिमा अपरंपार है, और गीता की भी महिमा अपरंपार है। ठीक है, अब भारत खंड की महिमा अपरंपार क्यों है? क्योंकि भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता, और भारत खंड ही स्वर्ग बनता है। परमपिता परमात्मा की महिमा क्यों अपरंपार है? क्योंकि परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। अब गीता की महिमा क्यों अपरंपार है? क्योंकि गीता का एक ज्ञान परमपिता परमात्मा ही देते हैं, और गीता के एक ज्ञान के द्वारा ही ये नर्क स्वर्ग बनता है, इसलिए गीता की महिमा अपरंपार है। आजकल जो किताब आ रही है गीता की, उसकी महिमा अपरंपार नहीं है। जो एक ज्ञान परमपिता परमात्मा ने दिया था, उस गीता की महिमा अपरंपार है। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं, यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। बाबा ने समझाया है, यह भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर से श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही आएगी, और गीता का भगवान फिर से श्री कृष्ण को कहेंगे, क्योंकि ये ड्रामा में नूद है।
अभी यह गीता आदि सब शास्त्र खत्म होने वाले हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं नहीं, ठीक है, अभी ये गीता भागवत वेद पुराण सब खत्म होने वाले हैं, अभी सिर्फ देवी देवता धर्म ही बाकी रहेगा। ऐसा मत समझना कि देवी देवताओं के साथ गीता भागवत भी रहेगी, नहीं नहीं, प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई तो फिर कोई शास्त्र आदि की जरूरत ही नहीं है। अरे जो देवी देवता बन गया है उसको शास्त्र वेद की क्या जरूरत है। इसीलिए सतयुग और त्रेता में कोई शास्त्र वेद नहीं होते, सतयुग और त्रेता में केवल देवी देवता होते हैं। सतयुग में कोई भी गुरु नहीं होते, ना ही शास्त्र आदि होते हैं। इस समय तो अनेक गुरु हैं, अनेक गुरु भक्ति सिखला रहे हैं, लेकिन सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है जिसकी महिमा अपरंपार है, उसे ही वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके यह भूल करते हैं, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ। भारतवासी सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि कह देते हैं कि भगवान अंतर्यामी है, वह सबके अंदर को जानता है, लेकिन भगवान क्या कहता है कि बच्चे मैं कोई के अंदर की बात को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। यह भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है, मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में, और मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। आजकल के मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि ये दुनिया नई से पुरानी कब बनती है और पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज़ सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं, बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो और तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई से पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था, भारत की महिमा भी अपरंपार है। इतना धनवान, इतना सुखी, इतना पवित्र भारत के अलावा और कोई खंड नहीं है। तो अब सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है, त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है, लेकिन उसका अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए कि त्रिमूर्ति शिव, ना कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाया किसने, ऊँचे ते ऊँच शिव बाबा ने। कहते हैं ब्रह्म देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, लेकिन शिव देवताए नमः क्यों नहीं कहते, शिव परमात्माए नमः क्यों कहते हैं, क्योंकि शिव ऊंच है, शिव सबको बनाने वाला है, शिव है रचयिता, इसलिए शिव को कहते हैं शिव परमात्माए नमः। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है, फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है और सुप्रीम टीचर भी है। विश्व का इतिहास कैसे चक्र लगाता है, वह बैठ परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझाते हैं। वही नॉलेज फुल है, वही ज्ञान का सागर है, बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है, यह भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, तो यह जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिला करके समुद्र में डुबा देते हैं। शिव बाबा मोस्ट बिलवेड है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बना करके पूजा आदि करके फिर तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे लिंग बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा, पागलों की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ,
मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूँ, मैं तो आ करके सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, भक्ति मार्ग में है थोड़े समय का सुख, जिसको सन्यासी लोग कागभीष्टा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं तो वह है हद का सन्यास, क्योंकि हठ योगी है ना, भगवान को तो जानते ही नहीं है, ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म तो भगवान है नहीं, भगवान तो एक ही निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है, ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान, ब्रह्म भगवान नहीं है, ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान यानी परम धाम, वह ब्रह्मांड स्वीट होम है। ब्रह्म से हम आत्माएं यहाँ धरती पर पार्ट बजाने के लिए आती हैं, ब्रह्म कोई भगवान नहीं है, ब्रह्म हम आत्माओं के रहने का स्थान है। तो ये सन्यासी लोग घर बार छोड़ देते हैं लेकिन याद किसको करते हैं, ब्रह्म को। अरे तो ब्रह्म भगवान थोड़ी ना है, ब्रह्म तो हम आत्माओं के रहने का स्थान है, परम धाम है, ठीक है। तो सन्यासी लोग घर बार भरे छोड़ देते हैं लेकिन सन्यासी लोग भगवान को नहीं पहचानते, ठीक है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेते हैं, 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर एक जान भी ज़्यादा उठाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भले रहो परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमपिता परमात्मा के, द्वापर से लेकर के तुम बच्चे याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है क्योंकि यह है ही दुख धाम, आत्माएं असली शांति धाम की निवासी हैं, पीछे आई सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए, हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप समझाते हैं कि आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है, परमात्मा तो एक है और सभी आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ गलत करते हैं। अब बाप ने समझाया है कि हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा, सतयुग में सो देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बनी, ठीक है। साधु सन्यासी लोग क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। अब तुम लोग खुद ही सोचो कि आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है और परमात्मा आत्मा कैसे बन सकती है, ये बिल्कुल गलत है। साधु सन्यासी इसका अर्थ बिल्कुल गलत लगाते हैं। अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा नहीं है ना ही परमात्मा आत्मा है, हम आत्मा सतयुग में देवी देवता थी, फिर हम आत्मा क्षत्रिय बनी, फिर हम आत्मा वैश्य बनी, अब हम आत्मा शूद्र बनी, ये सही है लेकिन आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है, ये बिल्कुल गलत है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सही क्या है, हम आत्मा सतयुग में देवी देवता थी, फिर क्षत्रिय बनी, फिर वैश्य बनी, फिर शूद्र बनी, ये सही है। अब फिर से हम आत्माएँ ब्राह्मण बनी हैं, फिर से हम आत्माएँ देवता बनेंगी, ठीक है। यह है यथार्थ अर्थ, यह है सही अर्थ। और जो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहते हैं वो बिल्कुल गलत अर्थ है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आजकल मनुष्य रावण की मत पर चलते चलते कितने झूठे बन गए हैं, इसीलिए कहावत भी बनी है कि झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसी कहावत नहीं कहेंगे क्योंकि सतयुग है सचखंड, वहाँ झूठ का नाम निशान नहीं होता, लेकिन यहाँ कलयुग में सच का नाम निशान नहीं होता, फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। मतलब जितना आटे में नमक मिलाया जाता है उतना ही यहाँ कलयुग में सत्य बोला जाता है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवी देवता धर्म,
पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं होता तो पांच विकार भी नहीं होता। वह है संपूर्ण निर्विकारी युग। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया गया है यह कोई भी नहीं जानते। अब राम को तो इसलिए बाण दिया नहीं गया है कि राम हिंसा करेंगे। हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम हो गाडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ। स्टूडेंट है तो वह टीचर हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे करके स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु भी हुआ। तो परमपिता परमात्मा बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य। रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। ठीक है, वह बाप ही एक ज्ञान का सागर आनंद का सागर है। उसके अलावा कोई भी एक ज्ञान का सागर आनंद का सागर नहीं है। एक ज्ञान सागर से तुम बादल पानी भर करके फिर जा करके वर्षा करते हो। एक ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से कोई पावन तो बनता नहीं है। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी लोग समझते हैं कि हम पावन बन जाएंगे। झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग के दिखावे। सतयुग त्रेता में यह सब दिखावा नहीं होता है। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे मैं तुमको अभी पावन बनाने के लिए धरती पर आया हुआ हूँ। यह एक जन्म तुम बच्चे मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद की यात्रा को तुम बच्चे बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा ना कहो। जैसे एक आशिक मासूक को याद करते हैं, जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका को याद करते हैं, वैसे ही तुम बच्चे परमपिता परमात्मा को याद करो। केवल मुख से शिव बाबा ना कहो, शिव बाबा को याद करो। एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिस भगवान को याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वह सब है थोड़े समय के लिए। भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं, भक्ति से ऊपर नहीं चढ़ते हैं। अब तो सामने मौत खड़ा है। हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। विनाश के बाद ही स्वर्ग की स्थापना होनी है। तो जब तक हाय हाय नहीं होगी तब तक जय जयकार नहीं होगी। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक स्वर्ग की स्थापना नहीं होगी। तो हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु सतो प्रधान बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे। ठीक है, वही आकर के बाप से पूरा पूरा फिर से बरसा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो एक जान भी पूरा नहीं उठाएंगे। फिर प्रजा में नंबर बार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम पर श्रीमत पर चल करके अच्छा पद पाएंगे। आदत भी अच्छा चाहिए, दैवी गुण भी धारण करना है। वह फिर 21 जन्म तक चलेंगे। जो आदत अभी तुम ब्राह्मण बच्चे धारण करोगे वो आदत फिर 21 जन्मों तक चलेगी। अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं बच्चे याद की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाओगे। सतयुग है गोल्डन एज सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाय पड़ती है तो कलाएं कम हो जाती है। अब तो कोई कला बची ही नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है, जब मनुष्य के अंदर कोई कला नहीं बचती है, तब बाप धरती पर आते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। तुम बच्चे एक्टर हो ना, तुम बच्चे पार्ट बजाने आए हो। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। पार्टधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेसमझ कहा जाएगा।
बेहद का बाप कहते हैं, सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। हम आत्माएं जानती हैं कि हम आत्माएं शांति धाम से इस धरती पर पार्ट बजाने आई हैं, इसका मतलब हम आत्माएं पार्टधारी हैं। अब ये मान लो कि किसी को कोई पिक्चर में, कोई फिल्म में पार्ट बजाना है। अब अगर उसको फिल्म की कहानी नहीं मालूम है तो उसको बेसमझ कहा जाएगा, मूर्ख कहा जाएगा ना। मान लो कि हमको फिल्म में हीरो का रोल निभाना है, ठीक है, हमको फिल्म में हीरो का किरदार निभाना है, लेकिन हमको फिल्म की शुरुआत नहीं पता है, ना फिल्म की अंत पता है, ना फिल्म की कहानी पता है, तो फिर हमको बेसमझ कहा जाएगा ना। उसी प्रकार हम आत्माएं यहाँ धरती पर पार्ट बजाने आती हैं, लेकिन हम आत्माओं को आदि मध्य अंत का पता नहीं होता है, ठीक है। तो बेहद का बाप कहते हैं कि तुम बच्चे कितना बेसमझ बन गए हो, तुम बच्चे धरती पर पार्ट बजाने आए हो, लेकिन तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का पता नहीं है कि कब आदि होता है, कब कल्प का अंत होता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे अब बेसमझ बन गए हो, लेकिन अब मैं तुमको समझदार यानी हीरे के जैसा बनाता हूँ। फिर रावण आ करके कौड़ी जैसा तुमको फिर बनाएगा। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि इस धरती से सबको मच्छरों की तरह ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा बनना है तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है कि हम ऐसा बनेंगे तब हम स्वर्ग के लायक बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां यह पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण यह भी समझते नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है, ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है, एक ज्ञान सागर से बादल भर एक ज्ञान वर्षा करनी है, मतलब तुम ब्राह्मण बच्चों को परमपिता परमात्मा से एक ज्ञान लेकर के और सभी को इस एक ज्ञान को देना है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है, याद से ही सच्चा सोना बनना है। श्रीमत पर चल करके अच्छे आदत और दैवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए, स्वर्ग में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। आज का वरदान है, विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ संबंध हुआ संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे, केवल विशेषता दिखाई दे, ऐसा चश्मा पहनो। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो दुनिया लाल दिखने लगती है, हरा भी लाल दिखाई देने लगता है, तो विशेषता के चश्मों द्वारा कीचड़ को ना देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपको आज की मुरली अच्छी लगी तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद, ओम शांति।